हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ विरूपण विधि से समीकरण को हल करना सिखाने वाली हूँ। तो चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। जो समीकरण है इसको हम विरूपण विधि से हल करेंगे। तो विरूपण विधि से हल करने के लिए करना क्या होगा आपको, यहाँ पर देखिए दो समीकरण है। पहला समीकरण है कि 3x - 5y बराबर में 4, ये क्या है, समीकरण एक है। दूसरा समीकरण 9x - 2y बराबर में 7, ये समीकरण दो है। तो यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर समझिए, x के गुना में क्या 3 है, समीकरण एक में जो है x के गुना में क्या 3 है, और समीकरण दो में देखिए x के गुना में क्या 9। यहाँ पर x के जो गुना में जो संख्या है उसको बराबर करना होगा। यहाँ पर 9 है तो यही तो पर 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर 9 होने के लिए आपको करना क्या होगा, 3 में ऐसा कौन सा अंक से गुना कीजिएगा तो गुना करने पर 9 हो जाएगा। अब सभी जानते हैं अगर हम 3 में 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो यहाँ 3 में गुना करने के लिए समीकरण एक में गुना करना होगा कितने से, 3 से। यहाँ पर x का जो x के जो गुना जो संख्या है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या आप चाहते हैं कि y के जो गुना में अंक है उसको बराबर करना चाहते हैं, तब यहाँ पर देखिए y के गुना 5 है, इस समीकरण दो में देखिए y के गुना में 2 है। यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए क्रॉस गुना करना होगा, यानी कि 2 में 2 जो है ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5 में 2 से गुना कर लीजिएगा समीकरण एक में, और समीकरण 2 में जो है 5 से गुना करना होगा, यानी कि क्रॉस गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फिर अभी ये x के जो गुना में अंक है उसको बराबर कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है, इसको 9 बनाने के लिए हमको समीकरण एक में कितने से गुना करना होगा, 3 से। ये 3 जो है सभी जितना समीकरण एक में सभी से गुना होगा 3 से। यहाँ पर गुना करने के लिए हम यहाँ लिखना पड़ता है पहले कि समीकरण कितने में गुना कर रहे हैं, एक में, कै से, तो 3 से। तो यहाँ पर लिख दिया समीकरण एक में गुना 3 से लिख दी हूँ। अब यहाँ पर देखिए 3 में 3 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, 9x हो जाएगा। माइनस होता है माइनस, 5y में 3 से गुना कीजिए तो 5 15 और y हो जाएगा बराबर है, तो बराबर दिए। 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो 4 3 12, तो 12 लिख दिए। देखिए इस तरीके से बराबर हो गया। अब समीकरण 2 को उतार दीजिए तो 9x है माइनस 2y हो गया बराबर में 7 हो गया। ये देखिए दोनों 9 के गुना में जो अंक है बराबर होना गया, ऊपर 9 है नीचे 9 है, ये बराबर हो गया। जब बराबर हो जाएगा तो इसको घटा लेते हैं। क्या करते हैं घटाने पर, जब समीकरण बराबर हो जाएगा तो क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 9x है, नीचे भी 9x है, बराबर हो गया। तो घटाते तो क्या होता है, जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि चीज बदल जाता है। अब इसका मेन चीज क्या हो गया, नीचे वाला ही हो गया। तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, यानी कि कट जाएगा, यानी कि 9x में से 9x घटेगा तो कुछ भी नहीं बचा, इसलिए इसको काट दिए। अब देखिए माइनस 15y है और प्लस 2y है, यानी कि 15y और प्लस 2y है, तो प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, यानी कि 15 में से 2 जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 13 बच जाएगा, 13y बचेगा। यहाँ पर देखिए चिन्ह क्या लगेगा, 15 2 में से बड़ा कौन है, तब कह सकते हैं 15 बड़ा है, और 15 क्या है, कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो हमेशा बड़े वाला चिन्ह ही लगता है। जो संख्या बड़ा होता है उसका जो चिन्ह होगा वही लगे। यहाँ पर ही 15 बड़ा था, 15 का माइनस का चिन्ह था तो माइनस दिए, बराबर तो बराबर। अब देखिए 12 - 7, यानी कि 12 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा, 5 बच जाएगा, तो 5 लिख दिए। अब देखिए वाई क्या है, गुणा में है 13, y के गुना 13 है, जब बराबर कोने जाएगा गुना तो क्या जाएगा, बटा में चला जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 13 हो जाएगा, और जो माइनस है ना ऊपर चला जाएगा, यानी कि y का मान कितना आ गया, -5/13। ये किसका मान आ गया, y का मान आ गया -5/13। अभी y का मान जो है समीकरण एक में रखेंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब लिखेंगे कि समीकरण एक में, समीकरण एक में क्या रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण एक क्या है, देखिए 3x है तो 3x लिख दिए, -5y है तो हमें y का मान रखना है, y नहीं लिखेंगे तो 5y गुना में है तो ब्रैकेट देंगे, और y का मान कितना है, -5/13, तो लिखिए -5/13 लिख दिए, और बराबर कितना है, 4 है तो 4 लिख दिए। समीकरण एक यही ना था, उसमें y का मान बैठा दिए। अब देखिए 3x का 3x हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा क्या है, प्लस हो जाएगा, आप 5 में 5 से गुना कीजिएगा 25 हो जाएगा, बटे में 13 हो जाएगा, बराबर में 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बराबर में 25/13 बराबर किधर है, 25/13, और वो प्लस में है, जब उधर जाएगा बराबर को उधर, तो जो प्लस है वो माइनस में चला जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3x = 4। यहाँ पर देखिए प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में 25/13 हो गया। अब सभी जानते हैं कि प्लस अगर बराबर को उधर जाता है तो माइनस में चला जाता है, तो माइनस कर दिए। और यहाँ पर भिन्न के घटाव बना लेंगे तो लिखेंगे 3x = कितना जाएगा,
इसका एलसीएम लिख दीजिएगा, 13,000 13 में 400 गुना कीजिए 13 का 52 आता है, माइनस 25 लिख दीजिएगा। अब देखिए 3x हो जाएगा बराबर 52 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा, घटाइए तो 27 बच जाएगा, बटा में 13 तो 13 लिख दिए। अब देखिए 3x गुना में क्या 3 है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या जाएगा, बटा में आ जाएगा। जब गुना बराबर को उधर जाता क्या था, बटा में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर में कितना गया 27 बटा में 13 और गुने कितना जाएगा 3, क्योंकि 3 यहाँ पर गुना में था तो बैक तो बराबर को नहीं जाएगा तो बटा में चल जाएगा। देखिए 3 से 27 कितने बार कट जाएगा, 9 मरते तो 9 मरते काट दीजिए, तो एक्स बराबर कितना आ गया 9/13 आ गया। तो ये आपका एक्स का मान हो गया। तो लिख देंगे कि इसीलिए वाई बराबर कितना है, माइनस 5/13 है और x बराबर कितना है 9/13 है, ये इसका आंसर आ गया। x y का मान निकल कर इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से जो है आप विरोपण विधि बना सकते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।